प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना ग्रामीण में भ्रष्टाचार। सेक्रेटरी शकुन धाकड़ पत्नी दारा सिंह निकाल लेते हैं 50,000, पूछने पर देते हैं जेल भेजने की धमकी। इस पंचायत को प्रधानमंत्री जनमन आवास के तहत अवार्ड विनिंग पंचायत बताया जा रहा है। बाहर से लेपा पोती कर सुंदर किया जनमन आवास, अंदर से प्लास्टर भी नहीं। पूरा कंप्लीट होने से पहले हो गया उद्घाटन। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के पैसों से बाहर से करा दिया पूरा काम, लेकिन अंदर से खुद करा रहे ग्रामीण। शिवपुरी के जनपद पंचायत पोहरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मड़खेड़ा में वर्ष 2023-24 के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना ग्रामीण के तहत कई पक्के मकान ग्रामीणों को बनाए गए हैं, लेकिन जब मौके पर फास्ट समाचार की टीम पहुंची तो बाहर से रंग रोगन करके और लीपा पोती करके मकान का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन अंदर से मकान का नहीं प्लास्टर था, न ही नीचे का फर्श कम्प्लीट थी। ऐसे में ग्रामीण नीचे का बेस और अंदर का प्लास्टर खुद करा रहे हैं। सेक्रेटरी शकुन धाकड़ पत्नी दारा सिंह ने निकाल लिए कई ग्रामीण की 50,000 की पहली किश्त, मांगने पर देते हैं जेल भेजने की धमकी। मड़खेड़ा के ग्रामीणों ने बताया कि कई लोगों की पहली किश्त प्रधानमंत्री जनमन आवास की 50,000 खाते में आई थी, लेकिन बैंक पर ही सेक्रेटरी शकुन धाकड़ पत्नी दारा सिंह ने पहली किश्त 50,000 की ले ली और कहा कि वह खुद उनके आवास का निर्माण कराएंगे, लेकिन आज तक धरातल पर उनके आवास का कोई अता पता नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि जब पहली किश्त 50,000 की पूछताछ करते हैं तो जेल भेजने की धमकी देते हैं। जिन ग्रामीणों के प्रधानमंत्री जनमन आवास बन रहे हैं, उन्होंने बताया कि सेक्रेटरी ने ही पूरी रकम ले ली और खुद ही आवास बनवा रहे हैं। वहीं सेक्रेटरी ने ग्रामीणों से कहा कि ऊपर से जो खर्चा आया है वह भी तुम्हें ही देना पड़ेगा। पोहरी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत मड़खेड़ा को प्रधानमंत्री जनमन आवास के तहत अवार्ड विनिंग पंचायत भी बताया जा रहा है। मड़खेड़ा पंचायत में एक तालाब निर्माण में भी भ्रष्टाचार का मामला बताया जा रहा है। जब इस संबंध में पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा से बात की गई तो उन्होंने पहले से फास्ट समाचार को धन्यवाद दिया और कहा कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है। जब ये मामले की जानकारी है के लिए विधायक ने अपने लोगों को मौके पर पहुंचाया तो उन्हें खामियां मिली और उन्होंने कलेक्टर सहित जिला पंचायत सीईओ से शिकायत की बात कही है और जांच कराकर सेक्रेटरी के खिलाफ और संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। जनमन आवास योजना प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है। शिवपुरी जिले के ऐसे गांव में हम आपको लाए हैं कि वो महत्वाकांक्षी ग्राम पंचायत आप मेरे पीछे देख सकते हैं। 23-24 प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना ग्रामीण ग्राम पंचायत मड़खेड़ा जनपद पंचायत पोहरी जिला शिवपुरी, इस पंचायत को अवार्ड दिया गया है सबसे अच्छा जनमन आवास बनाने का। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं असली हकीकत, बाहर से तो क्रीम पाउडर लगाकर तैयार कर दिया गया, लेकिन आपको अंदर की हकीकत मैं आज बताना चाहूँगा। आप मेरे साथ आ सकते हैं, देख सकते हैं, ये जनमन आवास की असली हकीकत है, जिनके उद्घाटन करा दिए गए हैं उसके बाद ये जनमन आवास की असली हकीकत है। ये देखिए आप नीचे मेरे सामने देख सकते हैं, ये असली हकीकत है। इसको बाकी का तैयार यहाँ की लोकल ग्रामीण खुद कर रहे हैं, अंदर से प्लास्टर भी करके नहीं दिया जा रहा है। अगर बात करें तो अंदर से प्लास्टर भी नहीं करके दिया जा रहा है, ना नीचे कोई फर्श लगा के दिया जा रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी हकीकत की बात कि जनमन आवास स्वयं जिनके खाते में पैसा आता है उनको तैयार करके देना है, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात हकीकत निकल के सामने आई है कि इस पंचायत में पूरा पैसा यहाँ के सेक्रेटरीज निकाल ले रहे हैं और वो उस इन जनमन आवासों को तैयार करके दे रहे हैं। तो ये अधिकार तो शायद मेरे हिसाब से जनता का अधिकार है, जनता को स्वयं तैयार करना है, उसके आधार पे ये पैसा उनको मिलना है। मड़खेड़ा में आप अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस तरीके के एक जनमन आवास के बाहर ही मैं खड़ा हुआ हूँ। क्या नाम है आपका? प्रताप आदिवासी। प्रताप जी, ये किसका जनमन आवास है? मेरे भाई का जनमन आवास योजना है। तो आप लोगों को जनमन आवास में पूरा अंदर से कंप्लीट करके अभी नहीं दिया गया है? अभी नहीं दिया गया है। आप लोगों का पैसा आप लोग खुद स्वयं बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं? नहीं, हम लोगों का पैसा आता है तो सचिव हम लोगों से निकलवा के अपने पास रख लेते हैं, उसके बाद में क्या है वो सामान भेजते हैं और बनवा रहे हैं अपने से। मतलब आप लोगों को पैसा नहीं मिला? नहीं मिला हम लोगों को पैसा। राशि तो आपके खाते में ही आती है? खाते में आती है, लेकिन सचिव जो है वो निकलवा के हम लोगों से ले लेते हैं। ऐसे कैसे निकलवा लेते हैं? बोलते हैं आप लोग नहीं बनाओगे, जब वो करके बोलते हैं। हाँ, अच्छा, और क्या, तो खुद निकलवा के खुद बनवाते हैं। पैसा खुद ही रख लेते हैं पूरा पैसा जितना भी है, और जैसे एक्स्ट्रा निकलता है जब बोलते, मतलब जितना पैसा आता है पूरा रख लेते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा है कि पैसा निकल भी रहा है एक्स्ट्रा, तभी हम बोले एक्स्ट्रा क्यों, तुम एक्स्ट्रा सामान क्यों ला रहे हो भाई,
तो पैसा आपको 75,000 मिला है, तो 75,000 का ही सामान लाओ ना, उससे ज़्यादा क्यों? हम लोग के पास रखा है, गरीब हम लोग, तो हम कहाँ से देंगे? एक्स्ट्रा लग गया तो इसमें एक्स्ट्रा लग गया तो वो एक्स्ट्रा का पैसा तुमसे लेते हैं? नहीं, वो बोले हैं कुछ लोगों से, मेरे भाई लोगों से बताए थे, मेरे बड़े भैया से बोल रहे थे एक्स्ट्रा लग गया आपके पास, मतलब ऐसे वैसा, मुझे पता नहीं इतना। तो मड़खेड़ा पंचायत का एक और भ्रष्टाचार हम आपको बताएंगे। यहाँ पर जो हालात हैं गांव वालों के रहने के लिए बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिस आदिवासी समुदाय को मध्य प्रदेश शासन अपने सर का ताज समझता है, उस आदिवासी समुदाय के साथ ही भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो रही है इस मड़खेड़ा पंचायत में। एक तरफ तो मड़खेड़ा पंचायत को अवार्ड विनिंग पंचायत कहा जाता है, वहीं दूसरी बात अगर बात करें तो असली हकीकत जब ज़मीन पर आकर देखी तो कुछ और निकली। क्या नाम है आपका? धर्मजीत साहब। धर्मजीत जी, आपकी आपके लिए जब प्रधानमंत्री जनमन आवास आया था, पैसे आए थे? हाँ महाराज आए। कितने आए थे? 50,000 रुपये। तो वो कहाँ है वो पैसे? पैसे साहब बन नहीं करवा ले, ट्रांसफ़र करवा ले। कौन ने? बोका तो नहीं, हाँ वो शरीफ ने जन। अच्छा, तो कितने तो आप लोगों को कुटीर देने ही कही थी उन्होंने? हाँ कही महाराज। क्या कही? क्या भाई के नाम पे आ सकती है कि तो पे पुरानी है, पत्थर की पुरानी बारी। नहीं, अब, नहीं, तो अब आपको आपके जो पैसे आए तो फिर उन्होंने बना के नहीं दिया जन्म? नहीं दी महाराज, नहीं दी। तो आपने बात करी, क्या बोले? हाँ नो बोले भाई के अब तुझे मनना पड़ेगा, नहीं जेल काटनी पड़ेगी। तो मैंने नो कही, वो पे पैसा आए नहीं, मैं जेल का की बात बदल में काटूंगा। मैंने कहा पैसा पैसे आपके पास दिए नहीं उन्होंने? हाँ और कहा, और फिर मैंने कागजात मांगे, मेरे कागजात न दे दो तो कागजात आपके क्या काम में आएगा? के तुम्हें क्या काम में आएगा? मैंने कहा क्यों, मुझे पैसा तुमने दे नहीं, मुझे पूरे आधार कार्ड, आधार कार्ड वगैरह ओरिजिनल कहाँ है? भेंगे बिन पाएंगे। आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड भी नहीं है? नहीं है, बिन पाएंगे दोनों के। और क्या है भाई? दो किताब, किताब भी उन्हीं पे? हाँ बिन पाएंगे, पास वो नहीं, आधार कार्ड। ये तो एक बड़ा मामला निकल के आपके सामने आया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की जिंदगी छोड़ो, उनके जो कागज़ हैं, उनके जिंदा रहने के सबूत भी उनके पास नहीं है कि वो भारत के नागरिक हैं, जो सबका एक मूलभूत अधिकार है। आधार कार्ड से लेकर उनकी बैंक पासबुक भी इन लोगों ने अपने पास रख ली हैं। ये हालात हैं इस गांव में रहने के लिए। तो इतनी बुरी बदतर स्थिति में यहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं। तो फिर आप लोगों ने पैसा, मतलब उन लोगों ने पैसा भी निकाल लिया, कागज़ भी निकाल लिए, तो कागज़ भी आपको नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। कल आपको कोई आपको आधार कार्ड की कहीं जरूरत पड़ जाए तो नहीं देते? हाँ नहीं दे, नहीं दिया महाराज, मैंने मांग लिया 2-3 बार, नहीं दे, क्या करेगा तू उनका, तेरे क्या काम आएगा? तो ये हालात है, रूबरू है आपको, मैंने रूबरू कराया इस हकीकत से, ये हकीकत है, ज़मीनी हकीकत से मैंने आपको रूबरू कराया कि यहाँ पर ये हालात हैं इन लोगों के। क्या नाम है भाई तुम्हारा? बब्बू के नाम पर थे, विदेशी। विदेशी तो आपकी तैयार नहीं हुई? हाँ भाई, अभी पैसे कितने निकाल लिए? हाँ पैसे कितने आ गए? पैसा तो निकाल दे, 3-6 निकाल दे। पूरे निकाल दिए? और का एक और रह गया करना, बस पूरे निकाल दिए पैसे? और पूरे निकाल दिए, ले गए पूरे पैसे निकाल। कौन को दिए पैसे? सेक्रेटरी को, और कौन को था? माने बना बना के नहीं दी? कहाँ दाई आते बोलू यार। आपने उसको पैसे क्यों दिए? आपको बनानी चाहिए थी ना खुद। मन तो मन को कुटीर बनवा कर देंगे, ऐसा करवा कर देंगे, तो बस भाई ले लेता। कहाँ पे पैसा निकलता था? बैंक पे? आओ खुद ही ले जाते, ले जाकर निकाल। क्या नाम है आपका? हरमाल। हरमाल जी, क्या क्या कह रहे थे, कैसी क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? अबे पता नहीं, एक किस्त की और बता रहे हैं, पता नहीं आपको बन गया जन्मन आवास? बन तो रहे, आ जाइए। बन गया प्लास्टर? तो प्लास्टर नहीं करा अंदर से? नहीं। क्यों पता नहीं। अब कितने पैसे, कैसे आ गए आपके पैसे? आ गए 2 लाख। 2 लाख रुपये निकल गए, फिर भी कम्प्लीट करके नहीं दिया गया? नहीं दिया। पैसा आपके पास आया है किसी और के पास? बिन के पास पैसा, बिन को दे देते पैसा, बेई बना के दे रहा है। नहीं बेई बना के दे रहे हैं? कौन? प्लास्टर नहीं बा, कौन बना के दे रहा है? सेक्रेटरी। क्या नाम है सेक्रेटरी का? दारा। आज हम आपको एक अकली इस क्षेत्र की असली हकीकत से भी रूबरू कराएंगे कि आखिर यहाँ ग्राम पंचायत में आदिवासी लोगों के साथ क्या बदसलूकी हो, किस तरीके से उनसे अत्याचार करके पैसा निकलवाया जा रहा है, बात कराऊंगा। क्या नाम है आपका? जसोदा। जसोदा बहन, कहाँ रहे, कहाँ के रहने वाले हो आप? जैन। कौन सा गांव है? मड़खेड़ा। मड़खेड़ा। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? अब तो बहुत साल ही हो रही है, अब तो और का। आपके लिए भी कोई जनमन आवास आया था? नहीं, पैसे आए थे जनमन आवास? कितने आए थे? 50। आपने 50,000 रुपये में जनमन आवास बनाया? नहीं नहीं बना। तो किसको दिए वो पैसे? फिर नहीं ले लाए सेक्रेटरी। पूरे निकलवा लिया? कौन ले लाए?
कौन कौन ने लिए थे? अब मुझसे काट रिया ही आती मैं शाम लेता है। हाँ शरीफ। क्या नाम है सेक्रेटरी का? शरीफ। शरीफ ने तो आपको तब से आवाज बना के नहीं दिया? और लोगों को तो आवाज बनाए यहाँ पे बने हुए हैं, आवाज बाहर से बना दिए गए हैं। नहीं बनाई आपको? नहीं बनाई? तो आपने पूछा नहीं उनसे कि क्यों नहीं बनाई? मैं ना पूछे तो ही तो क्या बोले? तो तुम मान को कहाँ दाई गया कम में लगाई के नो? तो फिर पूछा नहीं आपने वो पैसे कहाँ गए? वो नहीं पूछे फिर नहीं कही पैसा ने की तो ना कही बेई के बाबा से हो गए के नौकी दई मन से। और तो आपके पति का क्या नाम है? पप्पू। पप्पू, पप्पू जी आप आपके आपने बात करी थी कि सेक्रेटरी से, कहते हैं आपकी जनमन आवास योजना आई थी, आपने बात नहीं करी? बात तो करी थी नो कह रहा है मुझसे तो तुमने और भिजवा दांगो जेल गए। कौन कह रहा था? सेक्रेटरी। क्या नाम है? दारा। और वो शरीफ। और तो आप लोगों के पैसे आए थे? आप लोगों के कितने आए थे? 50,000 आए पैसा। तो कहाँ पे निकाले? बैंक पे। बैंक पे। तो आप लोगों ने बनाने, आप लोगों ने बनाने के लिए नहीं कहा कि मुझे बनानी है, उसके लिए पैसे उनको क्यों दे दिए? नहीं वो दिन के रहे हम बना कर देंगे जिनके साम जे आए सिंह में ते तुमन को सामान डरवा देंगे नखा दो ते बस नखरवा ले ऐसे माने। तो पूरे पूरे क्षेत्र के पैसे वही निकलवा लेते हैं? आप लोगों को नहीं देते पैसे? किसी को भी नहीं? नहीं बस अंगूठा ही लगवा लेते ना पैसा बताया मानना और देते दे ही करवा है। तो आप लोगों ने इसकी कभी कोई शिकायत नहीं करी? अब शिकायत कौन से कार और दवा और देन और नकार थे और बस बन गई। आप लोगों की नहीं बनाई? हम नहीं बनाई। तो आप लोगों ने देखा क्या हकीकत है उस पंचायत की जिस पंचायत को अवार्ड दिया जा रहा है? आखिर क्या ऐसे सेक्रेटरी और सहायक सेक्रेटरियों को अवार्ड देना चाहिए? अगर ये असली हकीकत है शिवपुरी ज़िले की तो आखिर शिवपुरी ज़िले के अन्य ग्राम पंचायतों में क्या हालात होंगे? मैं जरा सक्सेना ग्राम मणखेड़ा विशेष संवाददाता शिवपुरी। क्या नाम है भाई आपका? आपके आपके कितने पैसे निकले हैं? कौन सी जनमन योजना में आपका भी मकान आया था तो बना के दिया? किसको दिया आपने पैसे निकाल के? नहीं मतलब कौन है यहाँ पे? सारी। किस पद पे है वो? सेक्रेटरी है। तो पैसे आप लोगों को आने थे, आपको खुद बनाना था, तो आपने उसको पैसे क्यों दिए? नहीं तो आपके अकेले निकाले कि सबके सबके निकाल के वो पैसे ले जाते हैं? विधायक जी आपके पौरी विधानसभा में मणखेड़ा पंचायत है वहाँ पर जनमन आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार का सामने देखने को मिला है, जिसमें विधायक कई भी आदिवासियों लाभार्थियों द्वारा शिकायत की गई। जब हम वहाँ पे मौके पर देखने गए तो वहाँ पर आप जनमन आवासों में प्लास्टर नहीं है, कई लोगों की किस्तें निकाल ली गई, वहाँ के पंचायत सचिव और सहायक सचिव द्वारा इस तरीके के भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, आपका इस पर क्या कहना है? देखो मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ, जो कि मुझे को जानकारी नहीं थी वो आपने बताई और मैंने फिर वहाँ पे अपने व्यक्तियों को भेज कर वहाँ से मैंने जानकारी मिली। जो आपने बोला वो सही है कि बाहर से लीपर पोती कर उन्हें आवाज़ दिए जा रहा है, उद्घाटन किए जा रहे हैं और अंदर से प्लास्टर भी नहीं है और नीचे भी सीमेंटेड मतलब खानापूरी करके बनाया गया है। और जानकारी ये भी मिली है कि हमारे आदिवासियों भाइयों को गुमराह कर वहाँ पर उनसे पहली किस्त लेकर सचिवों ने हड़प ली है। मैं जल्दी जल्दी इस विषय पर कलेक्टर साहब और जिला पंचायत से बात कर रहा हूँ और क्षेत्र में कई जगह हमारे आदिवासी भाइयों को वहाँ पे GRS और सचिव गुमराह कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें बड़े हमारे अधिकारी भी मिले हुए हैं। मैं इसकी जल्दी जल्दी जाँच करवाऊँगा और कलेक्टर साहब को अवगत करा कर इन पर एफ आई आर करूँगा।